हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शुभजीत और टेक्निकल शुभजीत में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा अगर आपको iOS 14 में बैटरी ड्रेन के इश्यू आ रहा है तो फिर वो प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। जस्ट एक सेटिंग करना है आपको, ये सेटिंग करने से आपको आपके मोबाइल पर बैटरी ड्रेन का जो इश्यू चल रहा था वो सॉल्व हो जाएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसके लिए आपको करना है हार्ड रीसेट। हार्ड रीसेट करने से आपके मोबाइल कुछ भी डिलीट नहीं होगा, कुछ भी डाटा और ऐप्स जो है डिलीट नहीं होगा। तो फिर चलिए हार्ड रीसेट कैसे करते हैं। आपको जल्दी से जल्दी करना है, वॉल्यूम अप बटन को दबाना है, फिर से वॉल्यूम डाउन बटन को दबाना है, उसके बाद आपको पावर बटन को रखना है। तो फिर चलिए कैसे करते हैं देख लेते हैं। जल्दी से करना है आपको, फिर आपको पावर बटन इस तरीके से दबा के रखना है। जब तक एप्पल लोगो शो नहीं होता है तब तक आपको इस तरीके से दबा के रखना है। तो फिर देख लीजिए एप्पल लोगो यहाँ पे दिखा रहा है, इसलिए मैंने जो है पावर बटन को छोड़ दिया। और कुछ देर आपको वेट कर लेना है, जब तक स्क्रीन नहीं आता है तब तक आपको वेट कर लेना है, कुछ भी आपको दबाने की ज़रूरत नहीं है। तब फिर आप देख सकते हैं मेरा हार्ड डिस्क जो है आईफोन में हो गया है और अभी जो है मुझे बैटरी ड्रेन का इशू नहीं आएगा। आप ये कर सकते हो, ये करने से आपको 100% मैं बोलता हूँ कि आपके बैटरी ड्रेनिंग का इशू जो है वो ख़त्म हो जाएगा और प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। इस तरीके से आप जो है सिर्फ एक सेटिंग करके आईफोन iOS 14 में बैटरी ड्रेन का इशू प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो फिर वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो फिर जरूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आंसर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।